अर्ज करना कि सुख के माथे पत्थर पड़ो, जिस ते नाम हृदय से जा और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। हे परमात्मा, ऐसा सुख भी ना देना जिससे आपकी याद ना आवे। हे प्रभु, इतना कष्ट देते रहना जिससे आपकी भूल ना पड़े। कहते हैं उस सुख का आग लगो जिस तो भगवान तो दूर हो जा पुरानी, और बलिहारी उस दुख का जो पल पल नाम रटावे। पुणात्माओं, आप जो भी कोई दुख में यहाँ आया उसके लिए ये दुख वरदान से दोगा। एक दिन, कुछ दिन के बाद आप देखना, ये कष्ट ना आता तो आप यहाँ नहीं आते। यहाँ नहीं आते तो इस अनमोल मनुष्य जीवन को बर्बाद करके चले जाते। तो इस प्रकार परमात्मा की भक्ति तत्व ज्ञान से उभरती है, आत्मा जागती है। तो परमात्मा बताते हैं कि जैसे वो दंपति पूरा परिवार था और उनके पास इतना समय नहीं था, एक रात ने डट जा और कल सत्संग सुन ले और अगला दिन बिना निकला उनका पूरा परिवार मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब चाट ले उस 5 लाख के बेनिफिट ने। तो परमात्मा कहते हैं जब संत शरण में आने से ऐसी आपदाएं भी टला हो जाए, वो रुक जाओ तो वो टल जाती, मालिक दया बख्श देते उन पर। सतगुरु शरण में आने से आई टले बला, जब मस्तिक में सूली हो वह कांटे में टल जा। एक नगर के बाहर, गांव के बाहर एक आश्रम था एक संत का। ये परमेश्वर कबीर जी आते रहते हैं और वो अपना भेद भी नहीं बताते हैं, एक सिंपल वे से रहते हैं। तो वो उस संत के यानी उस परमेश्वर कबीर जी ही थे वो स्वयं। उसने 2-3 आश्रम बता रखे थे कि मेरे 2-3 आश्रम हैं, और प्रत्येक आश्रम में उसने 2-2, 3-3 महीने बांट रखे थे एक वर्ष में। तो जब वो उस नगर में, उस गांव के निकट वाले आश्रम में रहते थे 2 महीने या 3 महीने, उस गांव में उस संत के कुछ शिष्य थे। तो वो क्या करते थे, वो संत वहाँ कोई खाने की व्यवस्था स्वयं नहीं करते थे। नगर से, उस गांव से जो शिष्य थे उन्होंने अपनी ट्रन बांध रखी थी, बारी बांध रखी थी, नंबर बांध रखा था कि आज जैसे एक दिन शुक्रवार का जैसे अरफूल का, और मंगलवार का फिर दूसरे का, बुधवार किसी तीसरे का, ऐसे ऐसे 10-20 घर थे उन्होंने बांट रखे थे अपने। तो वहाँ उस गांव से एक परिवार से ही उस आश्रम में संत भक्तों के लिए और जो संत थे उनके लिए 2-4 भक्त रहते थे उनके साथ भोजन जाता था। एक दिन एक बहन का नंबर आ गया और उसका दूध फट गया। उसने सोचा अपने पड़ोसन से दूध ले आती हूँ, उधारा ले लूँगी, फिर दे दूंगी शाम को या कल दे दूंगी। वो उस एक पड़ोसन के पास गई, वो विधवा थी, उसके इकलौता पुत्र था। अपने आत्माओं, किसी के घर कोई वस्तु मांगने जाते हैं तो पहले कुछ शिष्टाचार के नाते कुशल मंगल अवश्य कहा सुना जाता है। उस सत्संग, उस संत की शिष्य बहन ने उस जिसके दूध मांगने गई थी उससे कहा कि बहन कुशल हो, परिवार ठीक है। उस विधवा बहन थी जो, उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी, बहन मेरे जीवन में सुख भगवान ने लिखा को नहीं। पहले तो पति मरिया, आपको पता है ये पार तो भारी दुख। फिर ये सोची थी इकलौता पुत्र है, जब इसका पिता की मृत्यु हुई यो 7-8 वर्ष का था। अब ये सोची थी कि ये युवा हो जाएगा, इसने पाल पोस के बड़ा कर दूंगी, अपना काम संभाल लेगा और इसका विवाह कर दूंगी, मुझे सुख का सांस आ जाएगा। अब ये लड़का 15-16 वर्ष का हो गया, ना काम करता और ये शराब पी है, और पैसे घर से जो चीज़ मिल जाती है
यानी पैसे ले जाता है और पता नहीं कहाँ रहता है सारा दिन, मुझे पता नहीं इसका, ना बताता, देर से आता है, और कुछ कभी कहती हूँ तो लड़ने को तैयार हो जाता है। यूं कहकर बहुत रोने लगी। तब उस जो सत्संग में जाती थी उस बहन ने कहा कि बहन तू ऐसे कर हमारे साथ, तू सत्संग में चला गए और वहाँ जाने से तेरा मन भी हल्का होगा। आज सारा दिन यहाँ टेंशन में पड़ी रहती है, वहाँ परमात्मा की चर्चा सुनेगी, बतलावेगी, तेरा मन खुश होगा और परमात्मा की शरण में आने से बहुत लाभ हो जाता है, तेरे बेटे को भी परमात्मा ही सुधार सकता है। वो कहने लगी नहीं बहन, नहीं नहीं नहीं, ये एक और नया मुकदमा शुरू हो जाएगा, मैं विधवा हूँ और यदि मैं सत्संग में जान लग गई तो ये मेरे आस पास के जो जेठ देवर ये ही ना जीण देंगे, सौ सौ व्यंग कसेंगे, पता नहीं किक के बात बनाओगे, और तुम्हारे तो पति जीवित हैं, तुम्हें तो कोई कह नहीं सकता, मैं नहीं जा सकती। उसने चैप्टर क्लोज कर दिया। फिर उस बहन ने कहा कि बहन ऐसे ऐसे मैंने अपने गुरुदेव के लिए आज भंडारा देना था, मेरा दूध फट गया और आपके दूध है, मैं दूध लेने आई थी, ते उधारा दे दे, तेरा कल दे दूंगी। अब उस बहन को कैसी प्रेरणा हुई, तो वो दूध निकाल कर रखा ही था, वो सारा का सारा उसके पात्र में डाल दिया, अकेले बहन ले जा। तो सत्संग में जाने वाली सत्संगिन बहन ने कहा कि कुछ तो रख ले बहन तो, कि ना इशारा ले ले, मेरा तो पाप में जाना है सारा ही। और मेरा भी भाग्य उदय हो जाएगा, साधु संत भक्त आहार करेंगे। अब क्या प्रेरणा हुई, ये कहते हैं करा करावे साइया मन में लहर उठा, दादू से दरजीव का वो आप बगल हो जा। अब वो बहन दूध ले आई, खीर बनाई और महात्मा को खिला दी, साधु भक्तों को, संतों को। अब वो ये सोचन पर विवश होगी कि मैं भी ऐसे सारा दूध नहीं दे सकती, मैं जबकि भगवान के चरणों में और भगत को आती हूँ, जिस प्रकार इस बहन ने समर्पित कर दिया, सब कुछ दे दिया, इसमें अवश्य जगह है परमात्मा की, इसका भूल पड़गी, तो धीरे धीरे वह उसके पास जान लाएगी। और उस लड़की ने ये कह दिया था बहन उदारा उदारा ना लूँ मैं, तू ले जा मेरे पास, ये तो मैं वैसे ही दूंगी, तो धीरे धीरे उसके पास जान लाएगी, भगवान की चर्चा सुना दे, कभी वह 10 मिनट सुने फिर उठ कर चली जा, कोई काम लग जावे, क्योंकि कहते तुलसी पिछले पाप ते हरि चर्चा ना भावे, और जैसे जबर के बेग ते या भूख विदा हो जावे। अब जिसके पाप कड़े बढ़ जाते हैं उसको राम नाम की चर्चा अच्छी नहीं लगती, जैसे जबर के रोगी को, जैसे मलेरिया के रोगी को रोटी भी कड़वी लगती है, मनुखा दाख भी कड़वी लगती है, वो कड़वी नहीं होती है। लेकिन उस बुखार के उस जबर ने उसके शरीर की व्यवस्था को ऐसा बिगाड़ दिया कि मीठी चीज भी, मीठे पदार्थ भी कड़वे लग रहे हैं। ठीक इसी प्रकार जिनके पाप कर्म बढ़ जाते हैं उनको परमात्मा की चर्चा रूपी मनुखा दाख भी कुनीन जैसी कड़वी लगती है। इसका ट्रीटमेंट क्या, फिर मलेरिया हो गया तो कड़वी कुनीन ही खानी पड़ेंगी आपको, ना चाहते हुए भी खानी पड़ेंगी, और उनके खाने से फिर वो मलेरिया जबर ठीक हो जाएगा। फिर वो रोटी जो कड़वी लगा करती थी वो इतनी स्वादिष्ट लगेंगी, लुखी सुखी भी खा जाओगे, जब सब्जी ना बनी होगी तो। पुण्यात्माओं ठीक इसी प्रकार हमारे साथ बीती हुई है, और जितने भी भक्त यहाँ आए सबके साथ ऐसा ही संघर्ष हुआ है। परमात्मा की चर्चा शुरुआत में सुन नहीं सकते थे, थोड़ी सी बात सुनी उठकर चल पड़ते या दिमाग कहीं घूमने लग जाता, और मालिक की दया हुई ये कुनीन हमने खानी शुरू करती, ना चाहते हुए भी सुनते रहे, 10 मिनट बैठे रहे, कभी 20 मिनट, फिर घंटा, और फिर ऐसा जबर उतरा, अब ऐसी भूख लगती है, आप देख लो कहाँ कहाँ से, को 1000 किलोमीटर से, कोई 500 किलोमीटर से, कोई 200 किलोमीटर से, अब इतनी भूख लग रही है आपको, क्योंकि आपके वो पाप कर्म समाप्त होने लग रहे हैं और आपकी आत्मा में भूख बढ़गी परमात्मा की चर्चा सुनने की। अब यही सती थी उस बहन की होगी, 5-4 मीटिंग में
उसके मन में प्रेरणा होगी कि बहन आप ठीक कह रही हो। अब उस बहन ने उसकी शंका का समाधान किया कि तो आप कह रही हो कि मैं विधवा हूँ और लोग मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या कहा करेगी, दुनिया मुझे जीने नहीं देगी। तब उस बहन ने सत्संग में सुने हुए विचार व्यक्त किए कि बहन आपने मीराबाई की कथा सुनी होगी, ठाकुरों की लड़की थी और ठाकुर तो अपनी बहू बेटियों को पर्दे से बाहर नहीं जाने देते थे। उस समय इतना ऐसा सख्त उनका नियम था, विधान था। और उस समय मीराबाई ने कैसा संघर्ष किया, पहले मंदिर में जान लगी माँ बाप के विरोध के बावजूद भी, फिर उसका विवाह हो गया एक राणा के साथ, राजा के साथ। जब वो मंदिर में जाती थी उसका पति 4 वर्ष के बाद मृत्यु को प्राप्त हो गया था और उसके देवर को गद्दी प्राप्त हो गई थी मीराबाई के। अब क्या हुआ, कहते हैं गोता मारू स्वर्ग में जा पैठू पाताल, कह कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल, सोचल सीधर मैं करूं अपने जन के काज। अब रविदास जी और कबीर जी ये बहुत साथ रहते थे अधिकतर। रविदास जी ने परमात्मा कबीर जी को पहचान लिया था बाद में कि ये परम शक्ति हैं, इनके पास जो ज्ञान है पृथ्वी पर नहीं है। तो एक दिन रविदास जी और कबीर जी एक भगत के यहाँ सत्संग कर रहे थे और वो भगत का घर उस रास्ते में था जिस रास्ते से मीराबाई मंदिर में जाया करती थी। अब कहते हैं साधु दर्शन राम का मुख पर बसे सुहाग, दर्श उन्हीं को होते हैं जिनके पूर्ण भाग, कबीरा संगत संत की साहिब आवे याद और लेखे में वो है समय, बाकी का समय बाद। अब मीराबाई ने देखा कि कोई भक्त बैठे हैं, दो संत बैठे हैं, मंदिर में गई जल्दी जल्दी पूजा करके वापस आई, रास्ते से थोड़ी सी दूरी पर वो 20-30 भक्त बैठे थे और परमात्मा कबीर जी और रविदास जी बैठे थे। मीराबाई ने सोचा चल थोड़ी सी देर संतों के विचार सुन लेते, वह बैठ की जाकर। परमेश्वर कबीर जी ने उस दिन सृष्टि रचना सुनाई और ब्रह्मा विष्णु महेश की सती थी बताई कि इनसे ऊपर एक और परम शक्ति है। मीराबाई के गले व बात उतरी को ना, क्योंकि वह श्री कृष्ण जी की परम पुजारिन थी। तब कबीर साहब जी के साथ वार्ता की उसने कि महाराज जी हमने तो आज पहली बार आपसे सुना है और मैं तो श्री कृष्ण से ऊपर किसी को नहीं मानती और ना मानूं। परमात्मा ने कहा बेटा देखो जिद करना तो दूसरी बात है, भक्तों के लक्षण नहीं होते। वो कहती मेरे साथ कृष्ण जी साथ आकर डांस करते हैं, कभी स्वप्न में करते हैं, कभी वैसे आभास होता है। तब परमेश्वर ने कहा कि तू अपने कृष्ण जी तो पूछ लिए, फिर मान ली हमारी बात ने। मीराबाई को तो चिंता होगी, उसने लेटगी सपने में वही चिंता श्री कृष्ण जी प्रकट हुए। श्री कृष्ण जी से मीरा जी ने पूछा कि भगवान मैंने ऐसे ऐसे संतों के वचन सुने हैं और संत झूठ नहीं बोलते, हे भगवान क्या आपसे ऊपर भी कोई परम शक्ति है? श्री कृष्ण जी ने कहा कि हमारे से ऊपर बहुत परम शक्ति है, लेकिन मीरा उसकी भक्ति करने का कोई लाभ नहीं, हमने करके देख ली वो उसकी प्राप्ति हो नहीं सकती, क्यों व्यर्थ प्रयत्न करें। अब मीराबाई का तो करंट जैसा झटका लग गया, रत्रा गजब हुई, इन तो ऊपर भी कोई शक्ति है। तो अगले दिन तुरंत जाके चरणों में मत्था टेक दिया उस पुण्यात्मा ने और कहा प्रभु मेरी शंका खत्म होगी, श्री कृष्ण जैसे भी ऊपर शक्ति है लेकिन वो कह रहे हैं वो मिलती नहीं। परमात्मा कहते हम मिलावांगे उसते, बेटी ना क्यों मिले, फिर फायदा क्या भक्ति का जो भगवान नहीं मिलाते। उस दिन के बाद उसने अपना मंदिर जाना बंद कर दिया, क्योंकि परमात्मा के नियम है अब वहाँ नहीं जाएगी, उस मूर्ति में भगवान नहीं है और जिसकी मूर्ति है वो मिलेगा जब बात बनेगी। जैसे एक सेब की मूर्ति रखी हो पत्थर की चाहे किसी की, वो सेब की मूर्ति ये तो याद दिलाती है कि सेब के गुण क्या है, वो सेब ओरिजिनल मिले जब बात बने उस मूर्ति वाली सेब पेट नहीं भरेगी।